हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिट एंड फ्लेक्सिबल। मैं मनीषा कुबल इस चैनल पर हर ट्यूसडे एंड फ्राइडे कुकिंग और एक्सरसाइज के वीडियोस अपलोड करती हूँ। आज मैं आपको बैंगन का भरता बना के दिखाऊंगी। हाँ, लेकिन बैंगन जो है वो मैं बाज़ार से नहीं तो अपने गार्डन से ही तोड़ने वाली हूँ। उसके साथ साथ मिर्ची भी, जो ग्रीन चिली लगती है उसमें, वो भी अपने आंगन से ही तोड़ूंगी। चलो, तो मेरे साथ चलोगे नीचे गार्डन में? हम बैंगन लेके और मिर्ची लेके ऊपर आएंगे। ये रहे फ्रेश फ्रेश बैंगन। यहाँ पे वैसे तो चार पांच लगे हुए हैं, लेकिन जो बड़े दो हैं वो मैं आज तोड़ने वाली हूँ। यहाँ पे भी और एक है नीचे। चलो इसे कट कर लेते हैं। जैसे मैंने तोड़ा है और भी एक तोड़ा है। ये रही ग्रीन चिली, बहुत सारी लगी है। मुझे अभी जितनी ज़रूरत है उतनी ही मैं तोड़ूंगी। ये जो फ्रेश चिली रहती है इसकी टेस्ट भी बहुत अच्छी रहती है। इसमें तीखापन भी बहुत ही ज़्यादा है। इसे हम लोग मराठी में लवंगी मिर्ची बोलते हैं, यानी ज़्यादा तीखी वाली मिर्ची। चलो अभी देखते हैं बैंगन का भरता बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। दो बड़े बैंगन हैं ये, दो टमाटर, 7-8 हरी मिर्च, 10-12 लहसुन के पीसेस, धनिया है आधी कटोरी ये, और दो प्याज है जो बारीक काट के रखे हैं। तेल लगेगा हमें और नमक स्वादानुसार। फर्स्ट हम बैंगन और टमाटर को अच्छे से तेल लगा लेंगे सब जगह पे। तेल लगाने से इसे सेकने में अच्छा पड़ता है। अभी ये मैंने जाली ली है, मेरे पास इस तरह जाली है सेकने के लिए। गैस को जला के थोड़ा, जब जाली गर्म हो जाती है, मैं उस पर ये वाले बैंगन रख रही हूँ। बैंगन सेकते वक्त हमें इसे टर्न करते रहना है ताकि वो सब जगह से अच्छे से सेक जाए। सेकते सेकते अभी मैं इसमें बीच में एक टमाटर भी रख दूंगी। टमाटर को थोड़ा चाकू से एक कट देना है। अभी आराम से सबको पलटी मार मार के उसे सेक लेना है। देखो बैंगन जैसे होने आए हैं। मैं चाकू से देख रही हूँ ये नरम हुआ है कि नहीं। अगर नरम हुआ है तो ये हो गया है, सॉफ्ट होना ज़रूरी है। अगर कड़क है तो उस जगह पे हमें और सेकने के लिए रखना है। नीचे साइड में थोड़ा कम हुआ है, इसके लिए मैंने ऐसे रखा है ताकि वो नीचे से भी अच्छा सॉफ्ट हो जाए। जब हम ये गैस पे सेकते हैं तब इसका जो स्मेल है, स्मोकी स्मेल, ये बहुत ही बढ़िया आता है। वैसे टेस्ट में भी ये बहुत ही अच्छा लगता है सेकने की वजह से। ये भी मैं कट मार के इसे अच्छा सा भून लूँगी। अभी साइड में जगा करके मैं ग्रीन चिली को भी इसमें रोस्ट कर लूँगी। मिर्ची भी जब हम सेक लेते हैं तो इसका स्वाद जो है वो दुगना हो जाता है। देखिए टमाटर, बैंगन और मिर्ची सेक के हो गया है। अब मैं लहसुन को भी इसमें इसी तरह सेक लूंगी। तो टमाटर साइड में होता ही रहेगा। देखिए लहसुन जैसे ही हम डालते हैं वो जल्दी पक जाता है, तुरंत हमें उसे निकाल लेना है। देखिए अपना पूरा ये रोस्ट करके हो चुका है। अब मैं इसका सबका छिलटा उतारूंगी। मैंने दोनों बैंगन का छिलटा उतार लिया है।
और टमाटर का भी छिलका उतार लिया है। अब मिर्ची और लहसुन को मैं इसी बर्तन में क्रश करके लूँगी। देखिए ये पूरा क्रश हो चुका है अभी। अब मैं इसमें बैंगन ऐड करूँगी और इसे अच्छे से चेक करके पहले फिर काट लूँगी। दूसरा बैंगन भी मैंने ले लिया है और उसे चेक कर मैंने कट कर लिया है। आप चाहे तो इसे ठंडा होने के बाद हाथ से मसल भी सकते हो। मैं ये गरम में ही कर रही हूँ, इसके लिए मैं चाकू से इसे कट कर रही हूँ, नहीं तो आप इसे हाथ से मसल के ही करना। अभी दोनों टमाटर को भी मैंने इसमें कट कर लिया है। अब सबको एक बार अच्छे से मैं क्रश कर लूँगी। अभी हम गैस पे पैन चढ़ाकर उसमें 2 चम्मच जितना तेल लेंगे। तेल गर्म होते ही हम 1/4 चम्मच राई डालेंगे और 1 पिंच हींग डाल देंगे। कटिंग किया हुआ प्याज उसमें ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच नमक डाला है मैंने। मैंने यहाँ पे प्याज थोड़ा भून लिया है। अगर आप कच्चा प्याज पसंद करते हैं तो भी उसमें कच्चा रख सकते हैं। देखिए मेरा प्याज हो चुका है अभी ये। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो ही डालना, नहीं डालोगे तो भी ये अच्छा लगता है। अब हम बैंगन, टमाटर, ग्रीन चिली और लहसुन को जो क्रश करके रखा था वो इसमें ऐड करेंगे और एक बार अच्छे से मिला लेंगे और ऊपर से अभी धनिया डालकर हम गैस बंद कर देंगे। बैंगन के भरते के साथ ज्वार की भाकरी बहुत अच्छी लगती है। मैंने सर्विंग स्पून से 4 चम्मच यहाँ पे ज्वार का आटा लिया है। जो लोग भाकरी बनाना नहीं जानते या जिन लोगों से भाकरी नहीं बनती है वो लोग एक बात ध्यान में रखें कि ज्वार की भाकरी बनाते वक्त हमें पानी उसमें गर्म वाला ऐड करना है। मैंने गैस पे पानी गर्म किया है और इस तरह मैं चम्मच से इसको हिला हिला कर मिला रही हूँ। जैसे थोड़ा ठंडा हो जाएगा वैसे मैं हाथ से उसको मलूँगी। जब तक उसे लगता है पानी और चाहिए तब तक मैं उसमें पानी ऐड करूँगी। पानी हर एक का अंदाज से अलग अलग रहेगा कि साटे में ज़्यादा पानी लगता है कि साटे में कम पानी लगता है। देखिए अभी थोड़ा गर्म ही है, मैं हल्के हाथ से इसे मिला रही हूँ और थोड़ा ठंडा पानी लेकर उसे इस तरह मल लूँगी। जब तक हाथ से आटा सब छूट नहीं जाता तब तक इसे ऐसे ही मलते रहना है। करते करते ही हमारे हाथ को जो आटा लगता है वो निकल आता है। थोड़ा कम आटा लग रहा था, गीला हो गया, इसलिए मैंने थोड़ा ऐड किया है उसमें। मैं इसके लिए आपको दिखा रही हूँ कि आपको ये कंटिन्यूसली से ऐसे ही गूंथते रहना है। हम आटे को जितना ज़्यादा मल लेते हैं उतनी ही अच्छी हमारी रोटी बनती है, यानी भाकरी बनती है। चलो अभी रेडी हो चुका है। अभी मैं इसके भाग कर रही हूँ। 4 रोटी के मैंने गोले बना लिए हैं। अब जो 1 बनाने वाला है वो ऊपर रखूँगी और 3 को मैं ढककर रखूँगी। आटे को मैं इस तरह राउंड कर फिर चकले पर रोटी बनाऊँगी। थोड़ा सूखा आटा हमें इस तरह लेना है, उसे गोल गोल घुमा के मैं इसे देखिए हाथ से इस तरह हमें इसे मार मार कर बनाना है। हल्के हाथ से करना है, बिल्कुल इसमें प्रेशर नहीं देना है। मैंने एक तरफ गैस पर तवा चढ़ा दिया है और तवा गर्म हो चुका है। अब भाकरी को उठाते समय नीचे वाला जो हिस्सा है वो ऊपर आना चाहिए, उस तरह भाकरी को तवे पे डालना है और तुरंत हमें पानी लगा लेना है। मैंने गैस थोड़ा मीडियम टू स्लो रखा है। जैसे ही ऊपर का पानी थोड़ा सूखे जैसा लगता है हमें उसे भाकरी को पलटी मारना है। पलटी मारकर एक साइड से उसे अच्छे से सीकने देना है। अभी मैं इसे जल्दी नहीं हिलाऊंगी, मीडियम गैस पे मैंने इसे अच्छे से सेक लेना है। तब तक मेरी दूसरी रोटी बनाकर रेडी हो जाएगी। सेकते वक्त इसे बीच बीच में इसे हिलाते रहना है ताकि पूरी नीचे से अच्छे से सीक जाए वो।
देखिए ऐसे गोल गोल मैं घुमा रही हूँ, उसके बाद ही मैंने पलटी मारी है। देखिए नीचे वाला पार्ट कुछ कैसे दाने दाने आए हैं, वैसे अच्छे से सेकना ज़रूरी है तो ही रोटी अपनी अच्छे से फूलती है। इस तरह अगर रोटी फूलती है तो इसकी टेस्ट भी बढ़िया आती है। ज्वार की भाकरी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। बैंगन के भरते के साथ ज्वार की भाकरी बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए कितनी मस्त बनी है, इसी तरह आपको भी बनाना है। चलो आ जाओ गर्मा गर्म बैंगन का भरता और ज्वार की भाकरी खाने के लिए। थाली रेडी है। अगर आप बैंगन का भरता खा रहे हो तो दही के साथ खाना, ये और भी टेस्टी लगता है। आपको मेरी ज्वार की भाकरी और बैंगन का भरता कैसा लगा ये मुझे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और बेल आइकॉन की घंटी भी ज़रूर दबाना ताकि मेरे नए नए वीडियो अपने आप आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में आ जाए। बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।